यहाँ से पहली कैंपिंग साइट से निकल ही रहे थे तो नोटिस किया कि ना टायर पंचर है, पंचर तो पता नहीं मतलब डिफ्लेट है, तो वैसे तो ऑल आ सेट, पता नहीं पंचर निकलेगा या फिर बॉल लीक होगा, तो पूरी 34-35 तो नहीं करूँगा क्योंकि थोड़ी स्टीप है यहाँ से, इस तरह के ट्रेन से मुझे, मेरे पीछे जो ट्रेन है इस तरह के ट्रेन से ऊपर लेके जानी है गाड़ी, तो पूरी 34-35 PSI तो नहीं करूँगा, अभी किया है 34-35 PSI तो नहीं करूँगा, 30 PSI के आसपास रखूँगा, सो दैट हवा कम होगी तो ट्रैक्शन अच्छा मिलेगा। ये आऊँगा कैंपिंग का असली मजा आ गया, और ऑफ रोडिंग मेरे ख्याल से फिर 4x4 तो चढ़ा ही लेगी ना, ऑफ रोडिंग में मतलब जो 4x2 में चढ़ाए। अब नीरेस्ट पेट्रोल पंप पे जा रहे हैं तेल डलवाने, और मेरा अगला टायर पंचर है पता नहीं वॉल लीक है। सारे लोग ना कमेंट में पूछ रहे थे कि स्टेपनी कैसे यूज करोगे, नजर लगा दी होगा पंचर, ये अपना भाई लगा रहा पंचर भाई साहब। तो ये था जी सोल्यूशन कि स्टेपनी अभी एक्सेस नहीं करनी, वहां से हवा डलवा के अपन आगे सीधा यहाँ पे गाड़ी लगा के टायर बाहर उतरवाया, और गर्मी बहुत है, एसी ऑन है, अपनो अंदर आराम से बैठा है। गुड बॉय, ये गिफ्ट लेके घूम रहा है सबके लिए, ये ऐसे ही करता है। वॉल्टी क्या कर रहा है? गुड बॉय। ओले नहीं, अंदर नहीं जाना, नो बाहर बाहर से नहीं, गुड बॉय, चलो और वॉल्टी कोई बात नहीं, पी लेने दे, इसको भी प्यास लगती है। शीज आर शिल्पा जी, लास्ट जो ओवरलैंडिंग की थी उसमें भी आपने देखा होगा, वॉल्टी ना कल से कुछ खा नहीं रहा, तो उसके लिए स्पेशली इन्होंने पेडिग्री कैरी की और अभी खिला रहे हैं उसको। अच्छा, इनके पास भी डॉग्स हैं। शिल्पा जी आपके पास कौन कौन से? लैब है और एक मॉल्टीज है। अच्छा, उसको लाए नहीं आप? वो मम्मी डैडी के पास है। अच्छा, वो लोग उसके बिना रह नहीं सकते। अच्छा, वॉल्टी नो खा ले इजी आराम से, ये पपी वाला राइट? पपी वाला ठीक है, कुछ तो खाए एग्जैक्टली। अच्छा इधर आओ फिनिश नहीं हुआ। वॉल्टी खत्म कर बेटे, इधर आओ बाहर खा लेगा, बैठो कब है। 3-4 फैमिलीज अपना डॉग लेके आई हैं, मैं छोटा सा आपको ब्रीफली नोट दे देता हूँ उन पे। ये हमारी कायरा, ये 7 महीने का जर्मन शेफर्ड है, 7 या 8 महीने का, वो अपना वॉल्टी। यहाँ पे जैस्पर है, जैस्पर इज 12-year-old लैब, यहीं कहीं होगा पूरा पीछे। और ये है हमारा बीगल छुटकू, ये 1 साल का है, कल से काफ़ी डरा हुआ है, एंग्शियस है। लास्ट ब्लॉग पे एक जनाब ने जनाब के कमेंट पे रिएक्ट किया था और वो हमें ओवर लैंडिंग में मिल गए, एंड ही इज द पर्सन।
मतलब ये मेरे को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गए। सर कैसा लग रहा है यहाँ के? बहुत बढ़िया लग रहा है। और ये जनाब नाब की बातें तो हम अपने घर में ही करते हैं। That was a satire, no, sir, कैसे? अच्छा ये बताइए कि आप आए कहाँ से हैं और कितने बजे पहुँच गए? दिल्ली से चले थे सुबह 4 बजे। अच्छा। और यहाँ एग्जैक्ट 9 बजे पहुँच गए। सुबह नहीं अभी। अच्छा आज सुबह चले हैं? आज सुबह चले हैं। अच्छा 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 नाइस नाइस। और मजे की बात ये है कि त्योहार वाला दिन आज होली का है। The complete route was totally empty. आप उसमें प्लेन लैंड करा सकते थे, इतना खाली था। इसीलिए सर आप 5 घंटे में पहुंच गए। इसीलिए 5 घंटे में पहुंच गए। प्लेन ही चला के पहुंचे। और आज 100 की नीचे गाड़ी नहीं चली सर। अरे बस। चलो 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 वाली। कह रहा। वो है जी हमारी सेटिंग। ले तो लिया मैंने 8%। अब लगाने में और उतारने में जो दर्द होता है ना मैं ही जानता हूँ। वॉल्टे नहीं लेना पंगा वापिस आ। छोटू आया ना, अब ये सोच रहा मैं उतर के वहां चला जाऊं। गुड बॉय। नो गुड बॉय। दिखा वॉल्टी कैसा लग रहा है? कीड़ा लगा दी। लो तो जी आज है होली और ओवरलैंडिंग कम्युनिटी 360 व्यू अब दिखाता हूँ खेलते हुए। मेरे पीछे ब्रेकफास्ट चल रहा है। पीछे या पीछे ब्रेकफास्ट चल रहा है। बच्चे खेल रहे हैं। सही है। अच्छा मैंने अभी ये बीस्ट देखा। पहले ना आयरन ही दिखाता हूँ मैं आपको। मतलब वैसे तो I-20 टक्कर दे रही है पूरी। पर द काइंड ऑफ वर्क इम्प्रोवाइजेशन ही हैज डन ऑन हिज कार व्हेन इट्स अ बीस्ट। सर बताइए मतलब। सर अभी तो शुरू हो रहा है काम इस पे। इधर आइए बैकग्राउंड पे आपकी कार लेंगे सर। हाँ जी अभी दिस इज स्टिल अ वर्क इन प्रोग्रेस। बट इसमें ये है कि एक बार शॉक लग गया है ना अब वो उसके आगे फिर कुछ नहीं होगा। अच्छा जैसे काम, मैंने काम छोड़ो मैं तो ऑफिस से छुट्टी ले लेके मैकेनिक के पास बैठा हूं तो और बोलो। अच्छा जैसे मैंने आपको बोला कि अब आप मेरे को भी लोन दिलवाओगे, ये वीडियो देख के औरों को भी लोन दिलवाओगे। ये 4x4 का और इज़ुज़ू पे ये सब करने का, क्योंकि ओवरलैंडिंग ना अभी ये जो कम्युनिटी है ये स्टार्ट अभी हुई है इंडिया में या रिवाइव अभी हुई है हिप्पी कल्चर के बाद 70s के बाद। इनिशियली था कि मैं लूंगा कैरावान। अच्छा या मैं लूंगा टाटा की विंगर आती है। इन दोनों को एक ऑप्शन थी मेरे पास was aiming for और अंदर घर बनाना है। हाँ, हाँ. ये ओवरलैंडिंग ही करनी थी बेसिकली। देन आई वाज लाइक कि इनमें आई गेट लिमिटेड कि मैं सिर्फ ओवरलैंडिंग कर सकता हूँ। हाँ, ऑफरोडिंग नहीं। ऑफरोडिंग नहीं। इसके साथ मैं ऑफरोडिंग भी जाता हूँ। अभी आई वेंट टू स्पिति। अच्छा एंड स्पिति में विंटर में गया था अभी फरवरी में है। सो अबाउट इतनी बर्फ थी उसमें। This car performed really well. We went to all the places. एक पता नहीं कहीं किब्बर करके जगह है। They took us to a mountain top with about 2 feet of fresh snow. अच्छा। खाली जगह है। And snow में वो जितनी drifting मारी, हिसाब नहीं वहाँ पे। और ये fully loaded थी गाड़ी आपकी? सामान वामान से fully loaded। और ये the kind of tires that you have put in, ये क्या इसकी width है और normal से कितना लगा ये? जो लगा आता है inbuilt आता है? Normal आता है 245. 18 इंच के नहीं लगवाया।
सो बेसिकली द बेस इज द सेम, आपने उसके ऊपर यू हैव जस्ट चेंज द टायर विड्थ. ओरिजिनल रिम ये थे. अच्छा जो, अच्छा आपने स्टेपनी भी जो एक्स्ट्रा टायर है ये आपने पीछे लगाया, यूजुअली नीचे होता है. हाँ नीचे होता इसका? है. सो इसके लिए बेसिकली मेरे को नीचे पावर के लिए बैटरी लगाऊंगा मैं वहाँ पे. सो ऑल द लोअर यू हैव द लोड ऑन योर कार. अच्छा कम्युनिटी से आप जुड़े कैसे सर? अभी तो यूट्यूब वीडियो देख देख के ही, जैसे आपके भी यूट्यूब वीडियो देख के. एक कोई है कतई जहर कहते हैं उनको. अच्छा दिस इज समथिंग ही यूजेस. उनका नाम है विकास दयाल. विकास दयाल. अच्छा. विकास से शुरू हुए, फिर बाकी लोगों वीडियोस देखना शुरू करे, इंडोर लर्न कम्युनिटी ज्वाइन करी. एंड दिस इज एक्चुअली माय फर्स्ट कैंपिंग, फर्स्ट एक्सपीरियंस इन मतलब औरों के साथ, इस ग्रुप के साथ. वैसे कैंपिंग में गया हूं बट इस गाड़ी के साथ कैंपिंग ओवरलैंडिंग पहली बार है. अब सबके मेरे भी दिमाग में यही है, सबके दिमाग में यही आ रहा होगा सर, इसके ऊपर गाड़ी की कीमत के अलावा आपने और कितना खर्चा किया सभी चीजें मिला के, इन टर्म्स ऑफ टायर्स आल्सो, दिस फ्रेम आल्सो? लाख रुपए के टायर्स एंड रिम्स आए हैं. 70-80 हजार का म्यूजिक सिस्टम बदला है पूरा. 5 लाख के आसपास लग गए. 5 लाख और अभी और लगना बाकी है. अभी ज्यादा इतना मेजर खर्चा नहीं, मेजर खर्चे नहीं करते. सिया मेरी बेटी जिसने आपको मैसेज किया था. अच्छा 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 अभी हम वहाँ मिले थे. ठीक है. अच्छा इनकी बेटी ने ना व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, मैं वो मैसेज भी वीडियो में डालूंगा और अभी मिलवाऊंगा आपको वो स्पेशली वॉल्टी से मिलने के लिए. 3 दिन से मेरी जान खाई क्योंकि मुझे वॉल्टी से मिलना है, जाना ही जाना है. आपने वॉल्टी को ढूंढा कैसे? मैंने आपका वीडियो देखा है. कैसे आपने कैसे देखा, आपको तो पता ही नहीं था. पापा ने देखा. और फिर आपने भी देखा? हाँ. अच्छा आप रखोगे डॉग? कब रखोगे? अभी. कुछ लोग ना सिर्फ कैंपिंग करने के लिए करते हैं और कुछ लोग कैंपिंग में ना 2 दिन के अंदर 6 महीने जी लेते हैं. अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे. बात छोटी सी है लेकिन जिंदगी जीने वाली बात बता रहा हूँ कि काटनी नहीं जीनी है, वो कैसे 2 दिन के अंदर. सर दिखाइए जरा सेटअप दिखाइए. कुछ नहीं है भैया, थोड़ी सी बियर लेके आए हैं. ये थोड़ी नहीं है, ये ऊपर तक बर्फ है और ये सिर्फ शौकिया तौर पे अभी ठंडी की जा रही है. एक्चुअल क्रेट अंदर पड़ा है. थोड़ी बहुत नीचे भी होगी, निकलेगी अंदर सॉसेज निकलेगी और अबाउट 5-6 किलो चिकन है. और इसके अलावा वो जो चिकन और सॉसेजेस की बात कर रहे हैं उसका जो जुगाड़ है वो है ये. अरे नाइस. इसमें भी जलाएंगे कोयला और उसको बनेगा आराम से चिकन की ड्रमस्टिक या चिकन लेग्स. अभी तक ना इस तरह का जो लाइफ है वो हम ना फॉरेनर्स की देखते आए हैं, चाहे यूट्यूब पे हो या फिर पुराने ज़माने में जब डिस्कवरी पे ट्रैवलर्स वगैरह शोज आते थे या अदरवाइज नेट जियो पे आते थे इंडिया में. अच्छा इंडिया में ये चीज़ पहले भी थी 70s में, जो हिप्पी कल्चर था गोवा की साइड, पोर्चुगीज कल्चर. अभी दोबारा से रिवाइव हो रहा है और रिवाइव होते होते ना ये अब एक अपग्रेड लेवल पे, एक नेक्स्ट लेवल पे जाके अपग्रेड हो रहा है. तो दीज आर द थिंग्स. अब इंडिया इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड, Indian audience is not restricted to see foreign channels. So yes, Indians are doing it, corporate people are doing it, जो 9 से 5 की नौकरी करते हैं और वीकेंड के अंदर अपने 6 महीने जीते हैं. So this is what is happening in India. Would recommend everyone, and this is not a very hi-fi kind of a setup, this is old school setup, जो कि old school मैंने इसलिए बोला जो कभी आपको धोखा नहीं देगा, जो हमेशा. क्यों सर? कारगर है एकदम. सर ये घर में मैं पिछले 5 साल से यूज कर रहा हूँ, यूजली वंस अ मंथ ये चलता है एंड पूरी पार्टी इसी पे होती है. यूजली वी कॉल इट तंदूरी नाइट. तंदूरी. अच्छा एक चीज ना मैंने ये सुनी है कि जिस बंदे को बारबेक्यू का शौक होता है ना, नशा होता है बारबेक्यू का, वो खाने से ज्यादा ना खिलाने में मजा आता उसको. तो जैसे अभी आपने बताया ना, मैं इतना किलो ये लाया, आई कैन रिलेट दैट. मेरे को लोगों को खिलाने में बहुत मजा आता है, वो मैं रिलेट कर सकता हूं. चाहे मैं उसमें कुछ खाऊं नहीं. लास्ट टाइम जब मैं बारबेक्यू किया था, आई हैड अबाउट 2 kg ऑफ किचन चिकन, उसमें मैंने एक टंगड़ी भी नहीं खाई थी. क्यों? उस दिन मेरे को अच्छी लगी थी ब्रोकली,
उस दिन तंदूरी ब्रोकली बनाई थी हमने, मैंने चिकन छुआ भी नहीं कि ब्रोकली इतनी अच्छी बनी थी। अकॉर्डिंग टू यू कैसा है, मतलब आउट ऑफ 10? आई मीन आउट ऑफ 10 मैं इसको 11 दूंगा, बिकॉज द व्हीकल दैट यू हैड एंड डिस्पाइट दैट ऑन दिस व्हीकल दैट व्हाट यू हैव डन इज अमेजिंग। रिंकू जी को पर्सनली भी दूंगा और ये वीडियो भी उनको दिखाऊंगा एंड आई विल टेल दैट यस समबडी विल कॉल यू फॉर द सेम सेटअप। बड़ी गाड़ी होगी ना तो वो पता ही नहीं क्या कर देगा वो बंदा। ओरी 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 इसमें तो सर वो जहाज बना देगा, इसमें तो होना है, इसमें जहाज बना देगा।